नमस्कार दोस्तों, हॉलीवुड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल जो देख रहे हैं तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, ये सब्सक्राइब लिखा है, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मैं तो किसी कारण से कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो आप लोग वीडियो का वेट कर रहे होंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि अभी मालूम है सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और थंबनेल में आपने देखा ईएमआई बंद है, ठीक है। ईएमआई क्या है, ईएमआई बंद है और बंद कर दिया है लोगों ने देना, और मॉरेटोरियम 3.0 यानी आने वाला है, ये इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी बैंक या एनबीएफसी से आपने लोन लिया हो। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, अभी की जो रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं, लगभग 70% लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो अब इस केस में लोगों ने क्या किया है, ईएमआई देना बंद कर दिया है। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है और उसी से घर वगैरह चला रहे हैं। तो अब देखो दोस्तों इसमें ज़रा रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और चलो ज़रा हम रिपोर्ट खोलते हैं। ये देखिए स्पेशली मैं आपके लिए, ये देखो मोबाइल से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा होगा टाइम हो रहा है 3:44 भी यहाँ पे कॉर्नर में। तो अब मैं सर्च करता हूँ, एक रिपोर्ट निकालता हूँ। ये देखो हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स वाले का, इंग्लिश वाले का, हिंदी वाला, उस पर आई हुई है। एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अजीम प्रेमजी को तो जानते होंगे, उन्हीं की ये यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है ये भी, इंडिया का काफ़ी पुराना कॉरपोरेट हाउस है। तो ये देखिए इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने, इन्होंने एक सर्वे किया, रिसर्च किया है। तो जिसमें ये देखो 8 में 10 में से 8 लोग बेरोज़गार हैं, ये दिख रहा शहरी इलाके में। यहाँ पे देखिए देश में 70% लोग बेरोज़गार, आम आदमी पर वित्तीय संकट। अब ये देखो लोगों ने क्या किया है, मैंने थंबनेल में जो दिखा ईएमआई देना बंद, ये देखिए 7 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है ईएमआई देना बंद, यानी ईएमआई आरबीआई का जो रिपोर्ट है उसमें से कुल लोन का, यानी टोटल जो लोन है उसका 50% लोन अभी मॉरेटोरियम में चल रहा है। जब 50% लोन ही मॉरेटोरियम में चलेगा तो फिर क्या स्थिति होगी, लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है, कुछ खाने पीने का कुछ साधन ही नहीं है। तो दोस्तों ज़रा कि देख लो अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्रेडिट कार्ड से खर्च चला रहा है, ठीक है। अब पुरानी गाड़ी है उनके पास, उस पर भी लोन ले रहा है, और उस पर भी लोन मिलने की संभावना जो है आपको मालूम ही है क्या रहता है, गोल्ड लोन लेने वाले का लोन लेने वाले लोग बढ़ रहे हैं। और रिपोर्ट में देखिए बचत में लगातार गिरावट आ रही है, क्योंकि अर्निंग नहीं हो रही है, प्रॉफिट नहीं है, जॉब नौकरी बिजनेस नहीं है, तो क्या होगा, बचत जो आपकी सेविंग है वो कंटिन्यूसली डाउन हो जाएगी। फिर म्यूचुअल फंड से बड़ी पैसे की, अच्छा म्यूचुअल फंड से भी आप पैसा निकाल रहे हो, ठीक है। म्यूचुअल फंड यदि आपकी कोई शेयर है उस पर भी लोन ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है। अब देखिए पीएफ से 80 लाख लोगों ने निकाल लिए 30,000 करोड़ रुपये, पीएफ से जो मालूम है ना प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना, तो उनसे भी लोगों ने इतने पैसे निकाल लिए, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो जिसके पास जहाँ साधन है, जहाँ लगता है वहाँ से अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जुलाई में देख लो बीते महीने बेरोज़गारी की स्थिति कितनी है, ठीक है, बहुत ही दयनीय स्थिति है दोस्तों, 70% लोग बेरोज़गार हैं। जरा सोच के देखो 100 में से 70 लोग यदि बेरोज़गार हैं तो उस स्थिति में क्या कुछ हो सकता है, कैसी भगदड़ मच सकती है लोगों को पेट चलाने के लिए। और दोस्तों इसी वजह से हम आप लोगों को बोलते हैं, जो देखो अभी के टाइम पे, ऑनलाइन के टाइम पे आप लोग इधर उधर कुछ भी करना मत सोचो, ज़्यादा टाइम पास मत करो, अर्लीवुड आपके लिए है ही, आप वेबसाइट बनाना वगैरह ये सब सीख लो, ठीक है। कुछ भी पूछना हो तो आप व्हाट्सअप कर लो, व्हाट्सअप नंबर तो मेरे आपको दिया हुआ है ही यहाँ पर, 8810652488, ठीक है। केवल और केवल आप यदि कुछ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड यदि क्वेरीज है तो ही करना, इधर उधर टाइम पास करने के लिए मत करना, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई, और आपको हम लोग ऑनलाइन अर्निंग का भी रास्ता बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने इसीलिए दिखाने का कोशिश किया, जो आप लोग देखो क्या स्थिति बनी हुई है, और आप लोग इस टाइम पे भी टाइम पास करने का कोशिश मत करो, बैंक वाले नहीं तो आपका टाइम पास कर ही देगा, क्योंकि उनको तो चाहिए पैसा अगले महीने में, पैसा नहीं देंगे तो फिर तो मालूम ही है वो क्या करेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैंने आपको जैसा ये आपने थंबनेल में देखा था, मैंने वैसा ही आपको रिपोर्ट बताया, ईएमआई बंद हो गया, सभी लोग 3.0 का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और बैंक एनबीएफसी से जिसका लोन ले रखा है उन लोगों ने, तो उन्होंने ईएमआई अभी बंद कर दिया, ईएमआई बंद कर दिया तो फिर क्या कर लिया, वो मॉरेटोरियम ले लिया,
अब पैसे ही नहीं है तो क्या करेंगे, फिर कहाँ से देंगे। क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से ही किसी तरह से जिंदगी लोगों का चल रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।